हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कैपिलरी एक्शन। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे पीएसयूज में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में मैंने सेंसिटिविटी के रिलेवेंट कुछ लास्ट सेशन में बताया था कि जब इंक्लाइन करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर को तो वो मैक्रो मैनोमीटर कहलाता है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वन लेग इज़ यूजुअली इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा। सेंसिटिविटी ऑफ अ इंक्लाइंड यूट्यूब टू द सेंसिटिविटी ऑफ अ यूट्यूब क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक यूट्यूब मैनोमीटर है, उसको इंक्लाइन कर दिया गया है। सपोज मैनोमीटर को इंक्लाइन कर दिया गया है, एंगल थीटा बनाएगा यहाँ से। ये लेंथ एल कंसिडर करते हैं और ये हाइट है, ठीक है? तो अगर मुझे एल लेंथ बताना है तो एल लेंथ क्या हो जाएगा? एच बाई साइन थीटा। तो ये बोल रहा है रेशियो है सेंसिटिविटी ऑफ ए इंक्लाइंड यूट्यूब टू द सेंसिटिविटी ऑफ अ यूट्यूब क्या होगा? तो ये तो हो गया इंक्लाइन के लिए, और यूट्यूब के लिए क्या है? एच है। जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे से। आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों से बन ही गया होगा। अगर किसी किसी को डाउट है तो वो समझ सकते हैं। अभी ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो लास्ट सेशन में छूट गया था, कुछ प्रेशर गेज से क्वेश्चन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मुझे अगर पता ही नहीं है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेड वेट क्या है, अगर मैंने डेड वेट प्रेशर गेज पढ़ा ही नहीं है, मान लो मेरे बुक ही में नहीं था या फिर किसी वजह से मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कैसे डील करेंगे? तो हम ऑप्शंस पे पहले जाएंगे। आपको पता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बिल्कुल बच्चे का क्वेश्चन है, 11th क्लास में आपने पढ़ के आए हुए हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहलाता है। द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। सपोज कि अगर मेरे पास एयर है, मैं सिर्फ ये डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप डाल्टन्स लॉ भी सीख जाएं, अगर जिनको जो भूल चुके हैं। अगर एयर है तो इसका अगर पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा एयर के लिए? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ इनर्ट गैसेस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से होता है ना? तो ये कहला जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आपको पता है कि शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वहाँ से हो गया। फिर एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस में पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी डिस्कस करते हैं, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट और वर्क को, हीट और वर्क के एनर्जी के रिलेशन को डिस्कस करता है। तो यहाँ पे से इतने सारे में तो सबका कोई ना कोई प्रिंसिपल कुछ ना कुछ है, बट यहाँ डेड वेट प्रेशर गेज के लिए कुछ और कोरिलेट नहीं कर रहा है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन होगा इसको हम क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा डेड वेट प्रेशर गेज के लिए, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को सीखने से ये पता चला कि जो मैं डेफिनेशंस बीच बीच में बताती हूँ वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए इग्नोर ना करें किसी भी डेफिनेशंस को, ठीक है? और छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए डेफिनेशंस भी याद रखा करें, ठीक है? तो ये हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट है कुछ सरफेस टेंशन का, कुछ पॉइंट छूट गया था, जैसे कि अक्सर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, मतलब हर पीएसयू में ये पूछा जाता है कि प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप में प्रेशर क्या हो जाएगा। तो ये सिग्मा सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 सिग्मा बाई डी ये प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है, ये प्रेशर इनसाइड द बबल 8 सिग्मा बाई डी, और प्रेशर इनसाइड द जेट इज 2 सिग्मा बाई डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पीएसयूज के लिए। उसके बाद आता है सर्फेस टेंशन कॉज ड्यू टू द कोहेशन बिटवीन द लिक्विड। ये एक पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको उसी तरह से पूछ सकता है।
जैसे होता है ना कि क्वेश्चन इस तरह से भी तो होता है कि बताओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से इसमें से सही है, तो इस तरह से सरफेस टेंशन का अगर पूछ दिया तो इसके लिए ये क्वेश्चन एक एक पॉइंट ये भी बन जाएगा कि कोहेशन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल होता है केवल सरफेस टेंशन कॉज होने का रीजन। अभी नेक्स्ट आते हैं कैपिलरी एक्शन, ये भी छूट गया था। ये है कैपिलरी एक्शन क्या है, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, तो जहाँ पे रो जो है वो आपकी डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो डी है वो डायमीटर है, ठीक है, थीटा इसके साथ एंगल बना रहा है। तो देखो यहाँ पे थीटा थीटा का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है 0 डिग्री किसके लिए है, वाटर और एयर के केस में, और थीटा 128 डिग्री या कहीं कहीं पे 130 भी लिखा रहता है फॉर मर्क्यूरियन क्लास के केस के लिए। फिर है कॉज ड्यू टू बोथ कोहेशन और एडेशन इन केस ऑफ ए कैपिलरी, यही डिफरेंस है सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन के बीच में कि दोनों का डिफरेंस यही सबसे बेसिक डिफरेंस है, वहाँ पे कोहेशन होता है और यहाँ पे कोहेशन एंड एडहेशन दोनों ही होता है। उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब सिंक, सॉरी इंक और वाटर, इंक राइजेज इन अ पेन, आयल राइजेज इन अ विक ऑफ अ लैम्प, ये सब सारे जो केसेस हैं ना ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कैपिलरी रिएक्शंस के लिए। उसके बाद है जो नेक्स्ट है, इफ़ लिक्विड राइजेज इन द ट्यूब, आप ट्यूब में कंसिडर करें, अब अगर वो राइज करता है तो वो केस क्या के सॉरी केस क्या है, एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन, उस केस में एडहेसिव फोर्स जो है ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स, और जब वो डिक्रीज करती है या मतलब फॉल करती है, लिक्विड फॉल करती है, तो उस केस में कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, ठीक है, ये सारे चीज़ें हो गए। उसके बाद जो पॉइंट है ये बस ऐसे ही आपको समझने के लिए दिया गया है कि कैपिलरी राइज अप्रोक्स 4.5, ये एक डेटा दिया हुआ था कहीं पर, ठीक है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि एडेशन केस के लिए क्या आता है, कितना एमएम वो इंक्रीज करता है और कितना एमएम डिक्रीज करता है दूसरे केस के लिए। तो कैपिलरी राइज कब कितना होता है, 4.5 mm फॉर वाटर इन ग्लास ट्यूब ऑफ अ 5 mm डायमीटर, तो ये कौन सा केस होगा, जब राइज का केस है देन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन द कोहेसिव फोर्स, और जब डिक्रीज होगा तो वहाँ पे कोहेसिव इज ग्रेटर दैन द एडहेसिव, वहाँ पे डिक्रीज कितना है, तो होता है 1.5 mm फॉर मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या, यहाँ पे वाटर कंसिडर करते हैं, जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा कोहेसिव से, और जब कोहेसिव ज़्यादा रहेगा तो वो मर्क्यूरी के केस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, एक एक ग्राफ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पर मिलता नहीं है, पहली बात, सिर्फ ये आर के जैन में दिया हुआ था ये वाला ग्राफ, बहुत चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं, अगर ये पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं भी पूछता है तो हो सकता है किसी के बीच में पूछते, बस एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है ट्यूब डायमीटर और कैपिलरी राइज और डिप्रेशन के बीच में, और इसको याद रखना बहुत ही सही रहेगा आपके एग्जाम के लिए, चाहे अगर एसएससी में नहीं पूछता है तो, और दूसरे पीएससी के लिए भी बहुत हेल्पफुल करेगा। तो देखो कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, देखो अभी अभी आपने देखा इसका रिलेशन, राइज और डिप्रेशन को एच से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और ये डी है डायमीटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूब डायमीटर और कैपिलरी राइज दोनों के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, यानी कि दोनों के बीच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी तो डायमीटर जो है वो डिक्रीज करेगा, और अगर हाइट डिक्रीज करेगी तो डायमीटर इंक्रीज करेगा, तो बस उसी को लेके किया गया है। यहाँ पे एक आइडियल 25 mm ट्यूब डायमीटर ले लिया गया है, ठीक है। तो सारे केसेस कैसे होते हैं, फर्स्ट एक वाला केस देखते हैं, फॉर डिस्टिल्ड वाटर एट अ वेरी लो टेम्परेचर, फॉर लो टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि जब टेम्परेचर ऐसे दिया रहे टेम्परेचर का केस, तो टेम्परेचर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, ओके। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच का जो भी रिलेशन है वो दोनों इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है। अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ कि अगर ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल है तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन,
यहाँ पे है सरफेस टेंशन। तो सरफेस जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा तो ये जो है एच, सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा तो एच डिक्रीज करेगा, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज करी, सरफेस टेंशन इंक्रीज किया, सरफेस टेंशन इंक्रीज किया तो कैपिलरी ट्यूब का जो वो राइज किया या डिप्रेस किया वो डिपेंड करता है, ठीक है, सॉरी वो राइज करेगा ना, इंक्रीज या डिक्रीज किया, सरफेस टेंशन इंक्रीज तो एच जो है वो भी इंक्रीज और जो डी है वो डिक्रीज, ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशन हो, ये इंक्रीज देन ये डिक्रीज। तो यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में लो डिस्टिल वाटर एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर इसमें कम है, ठीक है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर यानी कि सरफेस टेंशन इंक्रीज, देन सरफेस टेंशन इंक्रीज देन एच सॉरी डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन जो सॉरी वो राइज होगा, वहाँ पे वो राइज हो रहा है, मतलब कि ये ग्राफ आगे गया, ठीक है, राइज हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे ए को दिखाया गया है, राइज हुआ, उसके बाद फिर जब वो राइज हुआ यानी कि ट्यूब डायमीटर वहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट पे जब वो राइज कर रहा है, जब वो राइज कर रहा है इस पॉइंट पे तो यहाँ पे डायमीटर बहुत कम है, जब वो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये डिक्रीज करता जाएगा, डिप्रेस डिप्रेस करता जाएगा तो वहाँ पे डायमीटर की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट समझ गए आप। फिर उसी तरीके से बी जो है ग्राफ दिखा रहा है फॉर डिस्टिल्ड वाटर एट ए हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन के लिए जो बी है बी वाला है, जैसे मैंने आपको बोला ना आप उस खुद से आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर आप चाहें तो आप ग्राफ को लिख भी सकते हैं, बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉर टैप वाटर, टैप वाटर के लिए ग्राफ सी दिखाया गया है, जहाँ पे जो आइडियल है 25 mm दिया गया है ट्यूब डाया, ठीक है, उसके बाद उसी के हिसाब से आपका कैपिलरी राइज का जो है वो ग्राफ दिखाया गया है। फिर फॉर मर्क्यूरी, उस ट्यूब में अगर मर्क्यूरी डाल देते हैं तो उसका ग्राफ ये वाला है डी, ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया आप, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सरफेस टेंशन इंक्रीज किया, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, यानी कि वो एच जो है स्मॉल एच वो भी इंक्रीज कर रहा है, और स्मॉल एच और क्या बोलते हैं उसको डाया के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना। चलो अगर अगर मेरे बोलने में अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा तो आप ये खुद से समझ लेना, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था इस रिलेशन से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन स्टैटिक मास ऑफ ए फ्लूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, देखो अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है टोटल प्रेशर को, मैंने यहाँ पे टॉपिक शायद लिख ले यहाँ पे लिखना भूल गई थी। चलो ये टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर इज द व्हेन स्टैटिक मास ऑफ, व्हेन स्टैटिक मास ऑफ ए फ्लूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, यानी कि प्लेन या कर्व के कॉन्टैक्ट में आता है, फोर्स एग्जर्टेड बाई द फ्लूड ऑन द सर्फेस इज नोन एज द टोटल प्रेशर, वो कहलाता है टोटल प्रेशर। अभी ये फ्लू देखो यहाँ पे कंसिडर किया गया, ये फ्री लिक्विड सर्फेस है, ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लिया गया है, और यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है और ये सेंटर ऑफ प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इस पे भी क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ टोटल प्रेशर ऑन द सर्फेस इज नोन एज द सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर वैरी करता है बट जो सेंटर सॉरी जो टोटल प्रेशर है वो ऑलवेज जो है आपका हॉरिजेंटल वर्टिकल या इंक्लाइन के केस के लिए बराबर ही रहता है, बट सेंटर ऑफ प्रेशर वैरी करता है तीनों केसेस के लिए। तो देखते हैं कैसे करता है, अगर आपको बेसिक इसके बारे में जानना है तो आप रेलवेज का जो मैंने पिछले बार वीडियो अपलोड किया था फ्लूड का, उसमें मैंने एक एक पॉइंट करके बताया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है, मैं बस क्या बोलते हैं रिव्यू कर रही हूँ सारी चीज़ें। टोटल प्रेशर देखो क्या है यहाँ पे, ये जो डब्ल्यू है वो दिखा रहा है स्पेसिफिक वेट को, ठीक है, आपको पता ही है ये सब,
एरिया को दिखा रहा है, एक्स जो है ये जो एक्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दिखा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार. उसके बाद फिर सेंटर ऑफ अ प्रेशर फॉर अ वर्टिकल प्लेन, देखो ये वर्टिकल प्लेन के लिए फिगर मैंने दिखाया है, इन केस ऑफ अ हॉरिजेंटल वहां पे भी ये जो है टोटल प्रेशर इतना ही होगा. ठीक है, उसके बाद लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. यहाँ पे उसी तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दिया हुआ है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम तो वहाँ पे पॉइंट ओ, ये जो लाइन है ना ये पॉइंट ओ को दिखा रहा है, ये जो लाइन है यहाँ से पॉइंट ओ है, ठीक है, इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि है आई जी प्लस ए एक्स बार. तो यहाँ से इसको इस वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे, आई नॉट के वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगा. तो ये हो गया एक्स बार प्लस मोमेंट ऑफ, एक्स बार क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस दिस, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो फ्री लिक्विड सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एक्स बार. और ये हो गया प्लस आई जी बाई ए एक्स बार. ठीक है, तो ये जो हो गया फॉर्मूला इन केस ऑफ अ वर्टिकल प्लेन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर, डिस्टेंस बिटवीन द फॉर सेंटर प्रेशर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री लिक्विड सर्फेस इज सेड टू बी दिस वन. ठीक है, फिर द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के लिए जो केस होगा वो इंक्लाइन प्लेन कंसिडर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा. वो सब जो है मेन्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका डेरीवेशन एंड ऑल. ठीक है, बट आपको वो भी मेंस के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है, डेरिवेशन से क्वेश्चन शायद पूछता है, पूछता होगा, अगर अगर पूछेगा तो वो बाद में देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और आपके पीएससी उसके हिसाब से. तो ये कर लेना है, बेसिक क्वेश्चन बनाना है आपको इसके रिलेवेंट जो है, अगर आप आपके बुक से क्वेश्चन उठाकर बनाएं तो देखेंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे आता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं डैम, ये भी इसी के प्रिंसिपल पे सॉल्व किया गया है. यहाँ पे टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू ये डब्ल्यू ए एक्स बार, उसी तरह से लेग ले लिया गया है और यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, देख सकते हैं वैल्यू सॉल्वड है. यहाँ पे ठीक है, फिर है सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर मैं जो कह रही हूँ उसका मतलब ये है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री लिक्विड सर्फेस. ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, देख सकते हैं जहाँ पे ये h बाई टू ये x बार को दिखा रहा है, उसके बाद फिर आई जी ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, g पॉइंट के लिए 1/12 बी डी क्यूब, आपको पता ही है, ये सब लगाया है यहाँ से, उसके बाद सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई. बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है क्वेश्चन और कई जगह पे मौजूद है, इसलिए डिराइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो चलो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन कैसे पूछता है वो क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी सॉल्यूशन तो यहाँ पे है ही है. देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर क्या है नेक्स्ट है इन लॉग गेट रिएक्शन बिटवीन द टू गेट्स, लॉग गेट होता है तो दो गेट के बीच में क्या रिएक्शंस, कैसे रिएक्शन होते हैं, तो उसको कंसीडर करते हैं. अभी जैसे कि सपोज मान लो कि ये गेट है, ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पे से एक फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे से भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरीके से. यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ है एक एक एफ फोर्स और एक आर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे से प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, जिसको दिखाया गया है यहाँ पे, डिराइव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको शायद डायरेक्ट से समझ में ना आए. ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे दिया रहता है कि ये कोई थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये अल्फा एंगल, ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये भी अल्फा बनाएगा ये भी अल्फा बनाएगा. इसका मतलब ये है कि जो दोनों एंगल है यहाँ पे से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है. इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे एफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एफ
आर कॉस अल्फा, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू आर, जिससे हमें पता चला कि ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड यहाँ पे इक्वल हो रहा है. फिर रिजल्टेंट वाटर प्रेशर, वाटर के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं. एफ साइन अल्फा प्लस एफ आर साइन अल्फा, उस फिगर से क्लियर नहीं हो रहा है. आप लोग देखो ये फिगर है इस तरीके से, आप लोग अगर चाहे तो खुद से भी करके देख सकते हैं. ये गेट है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे फोर्स लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स ऐसे लगा है, आर है, यहाँ एफ है, अल्फा अल्फा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे से प्रेशर पी एक्ट कर रहा है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है, तो 2 sin अल्फा आ गया यहाँ से, ठीक है. तो ये आ गया आर और एफ की, दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी. तो इसे याद रखना. इसी तरह से एक ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी, या आप लोग मान लो पूछ लेता है तो आपको प्रॉब्लम ना होनी चाहिए. देखो यहाँ पे ऐसे दिया रहता है 120 डिग्री, ऐसे दिया रहेगा, एंगल बिटवीन द गेट इज गिवन. उसके बाद फिर अल्फा, अल्फा का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे इस केस के लिए. तो देखो अल्फा जो होती है वो, ये अल्फा है यहाँ से, ठीक है, तो वो अल्फा डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, 180. ऐसे तो आपको पता ही होगा, 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है. यहाँ से भी एक एंगल बनेगा. तो इस तरह से आप निकालेंगे, ये नहीं कि 120 अगर दिया हुआ है दो गेट के एंगल के तो वही एंगल अल्फ़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. तो याद रखना इसको, अगर बुक में क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो बनाएंगे ज़रूर. वैसे मेरे को जहाँ जितना मिला बस इतना ही क्वेश्चन था. फिर क्या है, बॉयंसी क्या है, द टेंडेंसी फॉर एन इमर्स्ड बॉडी टू लिफ्ट लिफ्टेड अप इन द फ्लूइड ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स अपोजिट टू द ग्रेविटी. यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी के अपोजिट जो भी फोर्स लगता है तो वो कहलाता है फोर्स ऑफ, बॉयंसी क्या है, वही कहलाता है बॉयंसी, और उसके कारण जो फोर्स एक्ट करता है आता है वो कहलाता है बॉयंस फोर्स. फिर क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन द बॉडी. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप आपके आर के जैन या फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के बनाएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी से. इस बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन मौजूद हैं बॉयंट फोर्स से, तो आप लोग ज़रूर बनाएंगे. जैसे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ बॉयंस फोर्स एक्ट, तो देखो सेंट्रॉयड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड. एक और चीज़ आता है, द फोर्स ऑफ बॉयंसी डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. एक और चीज़ है कि द फोर्स ऑफ बॉयंसी डिपेंड, मास जितने भी मास डिस्प्लेस होते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, बॉयंट फोर्स. फिर क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ बॉयंट फोर्स इज जीरो. ये सारे क्वेश्चंस है आपके, पॉइंट बाय पॉइंट है, मैंने पॉइंट लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि अभी ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा तो मैंने नहीं लिखा. तो देखो बॉयंट फोर्स क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट इज सेड टू बी बॉयंट फोर्स. ये भी एक डेफिनेशन है, तो इसलिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेशन से भी पूछ देता है, ठीक है. अगर डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता तो कहीं और क्वेश्चन क्वेश्चन के बीच में डाल देता है, ठीक है. तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. तो मेटा सेंटर क्या है, द पॉइंट अबाउट विच अ फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. उस पॉइंट से जहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी स्टार्ट करता है ऑसिलेट करना व्हेन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो कहलाता है मेटा सेंटर. एंड वॉट इज मेटा सेंट्रिक हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर इज सेड टू बी द मेटा सेंट्रिक हाइट. अभी देखेंगे फिगर में क्या है. देखो ये देख सकते हैं, ये मेटा सेंटर को दिखा रहा है और ये जो है यहाँ पे जी एम, ये मेटा सेंट्रिक हाइट है. थोड़ा हाइट पे होता, ये मैंने थोड़ा नीचे दिखा दिया, थोड़ा हाइट पे होता है ये मेटा सेंटर. तो देखो अगर मेटा सेंट्रिक हाइट निकालना है तो वहाँ पे किस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है बहुत, बी एम माइनस जी एम वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये जो पॉइंट बॉइंट बॉयंसी और मेटा सेंटर के से सब्सट्रैक्ट करते हैं बॉयंसी और जी के बीच को, ठीक है. तो उसको सॉल्व करने के बाद जो
आता है वो हो जाता है आपका मेटासेंट्रिक हाइट। उसके बाद क्या है, आई यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एट द वाटर सर्फेस। ठीक है, यहाँ पे आई को रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज इन अ बॉडी इन अ वाटर। तो जितना भी पोर्शन वॉल्यूम जो भी है सबमर्ज जाएगा वाटर के अंडर वो कहलाता है वी यहाँ पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपको कुछ भी रहे इतना वॉल्यूम सबमर्ज है इतना बाहर है, तो आप उसमें सबस्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट से। ठीक है, और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप दूसरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ कुछ और भी कुछ कुछ बताया हुआ है वहाँ पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो RRB का जो तो वीडियो था। फिर देखो नेक्स्ट है, बस एक लास्ट यही वाला है, ज़्यादा मैंने अब लंबा वीडियो बनाया नहीं है। देखो ये जो है कंडीशन इक्विलिब्रियम के केस का, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसको याद करने के लिए, कैसे याद करें, बार बार माइंड से स्किप कर जाता है। तो देखो याद करने के लिए मैंने सबसे सिंपल सा जो ट्रिक था वो मैंने निकाला है, वो ये है कि फ्लोर पे जब ये फ्लोटिंग के लिए केस के लिए फ्लोटिंग बॉडी रहता है, फ्लोर पे अगर मैट को रखेंगे, ठीक है, फ्लोर पे मैट को रखेंगे सॉरी मैट को रखेंगे ग्राउंड के ऊपर, तो ये केस हो जाएगा स्टेबल के लिए, एंड ग्राउंड इज ऑलवेज ऑल्सो इज इक्वल टू फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड इज ऑल्सो इक्वल टू फ्लोर, तो फ्लोटिंग के केस के लिए आपको याद रखना है कि मैट को रखेंगे ग्राउंड के ऊपर तो वो हो जाएगा स्टेबल का केस, और इफ इसका उल्टा कर देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और दोनों क्वाइनसाइड हो गया तो वो न्यूट्रल। और इसको याद करने के लिए क्या है, ये बॉल लाई कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, याद करने के लिए यहाँ बी है, ठीक है, फोर्स ऑफ बॉइंट फोर्स, और यहाँ पे ये बी है, दोनों बी कॉमन है यहाँ पे, तो सबमर्ज के लिए आप बी बी करके याद रख सकते हैं, और ये हो जाएगा चलो ग्राउंड ही मान लेते हैं यहाँ पे भी, तो ये भी ये स्टेबल का केस हो गया, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल। बस एक याद करने का छोटा सा ट्रिक है, मैट से याद रखेंगे मैट, और ये दोनों ही केस में जी रखा गया है, यहाँ पे बॉल रखा गया है सबमर्ज के केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है। इससे 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 नहीं उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जाइए बुक निकालिए और सारा क्वेश्चन बैठ के बना डालिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो, मैं तो चाह रही थी कि और भी आगे फ्लूट का वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखते हैं, कास्टिंग का वीडियो पहले अपलोड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बहुत पहले भी आया था बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना कास्टिंग से आएगा, कास्टिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आगे फ्लूट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनी हाउ SSC का सिलेबस कवर करना है मुझे इस बार। चलो ठीक है, थैंक यू।